क्लासिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 6 जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये लेसन हम रीड कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे रीड पेज 49-50। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्धमान महावीर। क्लास 6 अब हम पढ़ रहे हैं वर्धमान महावीरा के बारे में, अर्ली लाइफ, उनका आरंभिक जीवन। वर्धमान जो थे, भगवान वर्धमान, उनको पर्ली वो जो है महावीर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म एक शाही परिवार में यानी कि राजा के परिवार में हुआ था, वैशाली में 16th century BC में हुआ था। और जो उनके जन्म की बर्थ डेट जो है, एग्जैक्ट डेट हम सभी प्राप्त नहीं है, वो सिद्धार्थ के बेटे और त्रिशाला, सिद्धार्थ जो कि क्षत्रिय क्लान थे और प्रिंसेस त्रिशाला के बेटे थे। बचपन से ही जो है उनके माइंड में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो है बातें उनके माइंड में रहती थी। एट द एज ऑफ 30 की एज आने पर उन्होंने अपना घर जो है वो जीवन के कुछ आंसर को जानने के लिए छोड़ दिया। आगे और मनुष्यों के बारे में, के कष्टों के बारे में कुछ आंसर वो जानना चाहते थे, तो इनको जानने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। वो एक साधु बन गए और 12 सालों तक लगभग तपस्या करते रहे। फिर उन्हें जो है कैवल्य प्राप्त हो गया। कैवल्य प्राप्त होना यानी कि भगवान की प्राप्ति होना या मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होना, इस टाइप से जो है उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया। इसके बाद जो है उन्होंने अपने सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा अपने आप को जीत लिया, अपने आध्यात्मिक और जो मटेरियल जीवन है उसको जो है उस पर कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद वो जीना बन गए, यानी कि उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, जीना। और वो जो है जैन धर्म के संस्थापक, जो उनके फॉलोवर्स थे वो जैन कहलाए। इस ये जो धर्म है उनके द्वारा चलाया गया, उसे जैनिज्म कहा जाता है, जैन धर्म कहा जाता है। अगले नेक्स्ट 30 ईयर्स में उन्होंने वो ट्रैवल जो है पूरे देश में इधर उधर घूमते रहे, लोगों को जैन धर्म के उपदेश के बारे में बताते रहे। ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़, और उन्होंने अपने मैसेज को फैलाने में कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। जल्दी ही जैन धर्म जो था वह जनता का धर्म बन गया। भगवान महावीर ने परनिर्वाण को जो है एट द एज ऑफ 72 की एज में पावापुरी बिहार में प्राप्त कर लिया, यानी कि उन्होंने जो है 72 की एज में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्लास जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। अब है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैसा हमने पढ़ लिया है कि फाउंडर जो थे, जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, और उन्हें जो है ही वाज द लास्ट 24 तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर हैं, यानी कि जो जैन धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें तीर्थांकर कहा जाता है। और भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म थे, जिन्होंने पहले 23 तीर्थांकर की शिक्षाओं को भी फैलाने में सहायता की। द टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ, उनकी शिक्षाएं जो हैं और उद्देश्य जैन धर्म की, वो पुरु और अंगज में कंटेंट किए गए हैं, संग्रहित हैं। उन्होंने अपभ्रंश में भी दूसरी कुछ और पुस्तक जो है वो भी लिखी। क्लास आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ही वाज द लास्ट 24 तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म। अब जैन धर्म के मुख्य उद्देश्य अहिंसा, यानी कि जीवित पशुओं की हत्या ना करना, असत्य, नॉन स्टीलिंग, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, एकांत वेदा, ट्रुथ और रियलिटी जो है वो डिफरेंटली, एक जो है एक अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रह्मचार्य यानी कि कैलिबेसी, अपग्रह, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स से दूरी। नेक्स्ट पेज, टीचिंग ऑफ महावीरा, अहिंसा। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टीचिंग ऑफ जैन धर्म, जैनिज्म की जो थी वो अहिंसा थी। भगवान महावीर ने नॉन वायलेंस पर, अहिंसा का जो है प्रचार किया और कहा कि किसी भी लिविंग बींग्स, पशु, कोई इंसेक्ट या कोई भी चीज़ है, कोई भी जीवित वस्तु जिसमें कि प्राण है, उसे नहीं मारना है। और जैन धर्म जो है इसके खिलाफ भी था कि यज्ञों में जो पशु बलि थी उसके भी अगेंस्ट थे। डू यू नो, जैन धर्म जो है, जैन मॉन्क्स जो है अपने माउथ को और नोज को वाइट क्लोथ से कवर करके रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का जो है लिविंग बींग, कोई भी जो लिविंग बींग है उनके बॉडी में एंटर ना करे। कास्ट सिस्टम, जैन
जैनिज्म जैन धर्म जो थे वो कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे। भगवान महावीर ने यूनिवर्सल लव यानी कि सभी में सांसारिक प्रेम यानी कि सभी में पूरे वर्ल्ड में जो है एक प्रेम का उपदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जो है मानवता की सभी मनुष्य जाति को समानता के ऊपर जोर देती थी कि सभी मनुष्य एक समान है और लव और रिस्पेक्ट सभी चाहे किसी भी व्यक्ति का कोई भी जाति हो धर्म हो किसी भी क्लास से संबंधित हो सभी का हमें आदर और आदर करना चाहिए सभी से प्यार करना चाहिए। कोई भी जैन धर्म में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। कर्म महावीरा ने जो है भगवान के कंसेप्ट को एज अ क्रिएटर प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर जो यूनिवर्स में भगवान को माना जाता है कि वही बनाने वाले हैं वही रक्षा करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उनका विश्वास था कि हम सभी जो है आत्मा से कर्म से जुड़े हुए हैं। सिंपल शब्दों में जन्म और मृत्यु का जो है साइकिल जो है वो कर्म के द्वारा चलता रहता है। महावीर ने उपदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म जो हैं वो शुद्ध करने चाहिए और एक त्रिरत्न का भी उन्होंने उपदेश दिया जिसे कि थ्री ज्वेल भी कहा जाता है। राइट नॉलेज राइट फेथ राइट कंडक्ट। क्लास हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी। टीचिंग ऑफ महावीरा में हमने पढ़ा अहिंसा कास्ट सिस्टम और कर्म पढ़ा है आज।